अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हम भी शुक्र अल्लाह का बिल्कुल ठीक ठाक है। बस जी ये है आज हमारे सुबह का नाश्ता। देर से उठे और नाश्ते में ये पराठे पकाए हैं और साथ में बच्चों के लिए हाफ फ्राई है। और ये अलीना ने अभी शीट लगाई, मैंने सारा बना बना दिया। अमदान आ गया नाश्ते पे, तो मैंने कहा कि चलो सिंपल से ही नाश्ता करते हैं, कुछ खास नहीं। लेकिन आज कभी डेली रूटीन में तो पराठे नहीं खाते, किसी दिन ब्रेड ले लेते हैं, किसी दिन कुछ और है, और किसी दिन और मैं कावा बनाती हूँ तो वो अच्छा होता है गले के लिए भी, ये वो, तो वो भी थोड़ा सा उसके साथ, बच्चे भी मेरे साथ। सुभान किधर है, सुभान को बुलाओ। कावा तो वो अभी अलीना शीट लगा रही है, सबको दे रही है कि किस किस की रोटी है, सारा मैनेज करती है। अभी मेरे साथ माशाल्लाह बड़ी हो गई है तो मेरे साथ शीट वीट भी लगा लेती है। ये हो गई है जी हमारे सुबह खैर से। ये लोग कर रहे हैं नाश्ता और नाश्ते में है पराठा अंडा और हम लोग लेते हैं ब्लैक टी। बस ज़्यादा नहीं डालो, बस बस हमदान हमदान लगा हुआ है, उस पर काली मिर्च डालता है, इसको बड़ा शौक है, खाता है और वैसे भी अच्छा होता है बच्चों के लिए काली मिर्च। सुबहान जरा मुश्किल से खाते हैं। क्यों कब डांटा मैंने तुम्हें? रात को। वो रात तो नहीं थी, सुबह थी। अंडे का क्या हाल किया तुमने? ये मैंने सालन चढ़ा दिया अभी। मुझे तो नहीं पता था हम लोगों ने जैसे नाश्ता किया तो गेस्ट आने लगे। हम तो देर से, छुट्टी का दिन था, देर से उठ के देर से बनाते हैं। तो बस जब उनका फ़ोन आया कि भाई लोग आ रहे थे तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से सालन भी बना लेती हूँ, तो साथ में मैंने सालन भी रख दिया। तो हालांकि उसी का नाश्ता किया था, खैर हमने खास सफाई सफाइयाँ भी नहीं हुई थी। साथ में मैंने सैलेड बनाया ये, और ये जी मैंने बनाया टिक्का बोटी। तो मसाले वगैरह लगा के सेट करके मैंने रख दिया। मैंने कहा शाम में ना फिर बाद में इनको आप पकाऊंगी आसानी से, फिर जल्दी पक जाएगा एक दफ़ा मसाले, क्योंकि 2-3 घंटे इसको रखना पड़ता है। सैलेड वगैरह बना लिया मैंने, तो मैंने कहा बाद में ये जो है बाद में बना लिया। और साथ में हमारा सालन भी तैयार हो रहा है। ये मैंने छोटा गोश्त बनाया, वो भुना हुआ, तो वही बना रही हूँ मेहमानों की खातिर। हमारा हालांकि सालन वालन था भी तो फिर मैंने कहा चलो मेहमानों के लिए बना लो। ये जी मैंने साथ में रखी है अपने लिए कहवा चाय, और ये साथ में अंगारे रखे हुए हैं, और उसमें हांडी पे रखने के लिए, तो वो भी जल रहे हैं। साथ में मेरी बन गई है चाय, और ये साथ में क्योंकि सुभान ने रोटी उस टाइम नहीं खाई थी तो ये उसके लिए पका रहे हैं हम लोग रोटी साथ साथ में। ये हमारी रोटी है, क्योंकि देर से नाश्ता किया था तो उसके बाद वो नहीं खा रहे थे मेहमानों को, तो उसके बाद मैंने खाना वगैरह दे दिया था, ये उसके लिए बना रही हूँ रोटी। फोड़ रहा था, भूख लगी है तो उसको खाना वाना भी देना था। आज जी तो मेरी लॉन की सारी आज पूरा दिन बिजी शेड्यूल रहा। अभी भी मैं ये अपना ग्रासी प्लाट वगैरह ठीक कर रही हूँ, और आपको पता है मौसम चेंज हो गया, ये सारा काम शाम करना पड़ेगा बस। और आज खैर से फिर से मेहमान आ गए तो उनके साथ, और यकीन जाने जब मेहमान आते हैं तो तब तो वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी मैंने पानी शानी भरा, मैं दिखाती हूँ आप लोग। ये देखें ये सारा वो हुआ हुआ था ख़राब, तो ये सारा अभी बनाना है। ये आज जरिए सेटिंग वेटिंग की है इसकी, बराबर की है। ये एक दरख्त, ये सुभान ने रोटी मांग ली तो उस टाइम खाया नहीं, तो मैंने कहा उसके लिए सालन गरम करूं, तो वो दाल शौक से खाता है तो मैंने उसके लिए दाल गरम की। ये जी सुभान शाबान खाना खा रहा है, अभी मैंने इसको खाना दिया, ये खा रहा है दाल रोटी। तो जी अभी मैंने इसको खाना वाना दिया, सुबहान तो टीवी की आवाज़ कम करो। आज बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही है, और इसको रोटी शोटी दी, मेहमान भी आए हुए तो पहले उनको खाना वाना दिया।
काम शाम किया बाहर का, व्लॉग बनाने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा था, बस थोड़ा थोड़ा करके बनाया। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।